हेलो फ्रेंड्स, बंदना जी की रसोई में आपका स्वागत है। मैं हूँ बंदना। फ्रेंड, आज मैं आपको कटोरी पिज्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड, पिज्ज़ा की सुनते ही हम सबके मुंह में पानी आ ही जाता है। तो फ्रेंड, ये मैं बिना यीस्ट और बिना ओवन के बनाऊंगी फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारे घर में जो भी सामग्री है हम उसी से पिज्ज़ा बना सकते हैं और ये झटपट तैयार हो जाता है फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, हम देख लेते हैं हमारा पिज्ज़ा कैसे बनेगा। फ्रेंड, पिज्ज़ा बनाने के लिए मैंने ये स्टील की दो कटोरी ली हैं। ये मैंने एक साइज की ली है, आप चाहें तो छोटी या बड़ी कर सकते हैं। मैंने इसमें हल्का हल्का ऑयल लगा लिया है जिससे हमारा पिज्ज़ा चिपके नहीं फ्रेंड। फ्रेंड, मैंने ये 2 चम्मच मैदा लिए। अब हम इसमें 1 चुटकी हम बेकिंग सोडा डालेंगे, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक और ये 2 चम्मच दही डाला है फ्रेंड मैंने। इसको अच्छे से मिलाते हुए हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड, अगर ये 2 चम्मच मैदा ही हमारे लिए काफ़ी है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस प्रकार का पेस्ट बनाया है। हमें ऐसा पेस्ट बनाने के लिए 3 चम्मच दही लगा था। अब हम इनको कटोरियों में फैला लेंगे। तो फ्रेंड, हमारा 2 चम्मच मैदा काफ़ी है दोनों कटोरियों में पेस्ट फैलाने के लिए। तो हम इसकी पतली पतली लेयर लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम इसको हल्का हल्का टैप कर लेंगे जिससे इसमें बबल ना बने। अब हम इस पर सॉस डाल देंगे फ्रेंड, हमारे पिज्ज़ा में दुगना स्वाद बढ़ जाता है फ्रेंड। तो अब हम इसमें सॉस फैलाकर प्याज डाल लेंगे। इसको अच्छे से फैलाते हुए दोनों में। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये प्याज डाल दिए। ये मैंने शिमला मिर्ची ली है, बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे भी हम डाल देंगे फैलाते हुए। तो इसमें आप बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, आप चाहें जो आप टमाटर डाल लेंगे फ्रेंड। तो देखिए हमारा कितना कलरफुल पिज्ज़ा बन रहा है। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे फ्रेंड। ये मैंने छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है और 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। तो इससे स्वाद बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। मैंने ये अमूल की ग्रेटेड चीज़ ली है, आप चाहें तो स्लाइस वाली भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम अपने पिज्ज़ा पर चीज़ फैला देंगे चारों तरफ अच्छे से। तो फ्रेंड, हम अपने पिज्ज़ा पर जितनी चीज़ डालेंगे उतना ही पिज़्ज़ा हमारा टेस्टी लगेगा। तो देखिए मैंने अपने पिज़्ज़ा पर कितनी भर भर कर चीज़ डाली है। हम इसे शिमला मिर्ची और टमाटर से सजा देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा पिज़्ज़ा खाने में तो यम्मी लगेगा ही, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो हम इसे अब बेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मैंने ये आयरन का तवा रख दिया है, आप चाहें तो कढ़ाई में स्टैंड रख कर बना सकते हैं। तो मैं ये आयरन के तवे पर बना रही हूँ। मैं ये अपना पिज्ज़ा रख दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और स्लो गैस पर 10 से 15 मिनट के लिए बेक होने देंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमारे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना पिज्ज़ा देख लेते हैं। तो देखिए, वाओ, कितना अच्छा हमारा पिज्ज़ा बना है। तो हमारा चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है फ्रेंड। अब हम इसे तवे से नीचे उतार लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा पिज़्ज़ा कितना फूल गया है और अंदर तक कितना अच्छे से पक गया है। हमारा पिज़्ज़ा कितना कलरफुल लग रहा है। हमारा पिज़्ज़ा खाने के लिए गर्मा गर्म तैयार है, अब हम इसे खा सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं।